हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोडर बाबा में। तो आज हम बनाने वाले हैं एडवांस एनालॉग क्लॉक। तो साथ ही साथ आपको मिलेगा एक डिजिटल क्लॉक, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं। तो गाइस, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक सिंपल सा क्लॉक बना के दिखाया था आपको कि जिसमें आपको कुछ सुइयां मिल जाएंगे और फिर वहां पर आपको वो गोल गोल नाचेगी। बट यहां पर ये जो मैं बनाने वाला हूं, यहां पर आपको प्रॉपर एक घड़ी जैसा प्रॉपर एक एनालॉग घड़ी मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ डिजिट भी देखने को मिलेंगे, साथ में आपको आवर मिनट और सेकंड की भी कांटे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे घूमते हुए। और नीचे आपको एक मिलेगा डिजिटल क्लॉक विथ एएम और पीएम के साथ। तो ये आपको कैसे बनाना, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ एचटीएमएल, सीएसएस और जेक्यूरी, ये तीन चीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो चलिए फटाफट इसका हम सोर्स कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हमारे पास है नोट पैड, हमारा एडिटर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो करना है कि आपको यहाँ पे लिखना है डॉक टाइप, और उसके बाद आपको एचटीएमएल लिखना है, यहाँ पे हेड आपको सेक्शन यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल में जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि आपको यहाँ पे सीएसएस और जेक्यूरी, ये दो फाइल मैंने एक्सटर्नल फाइल क्रिएट किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो किया हुआ है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है सॉरी हेड को क्लोज कर देना है, उसके बाद बॉडी सेक्शन ओपन करना है। यहाँ पर आपको डीआईवी बनाना है, और इस डीआईवी का यहाँ पे क्लास देंगे एनालॉग क्लॉक के नाम से, और यहाँ पर एसवीजी टैग के अंदर यहाँ पे विड्थ दे देंगे कितना आपको देना है इस घड़ी का विड्थ, और हाइट यहाँ पे सेट करना है। फिर सर्कल टाइप का होगा, और यहाँ पर एक आईडी दे देंगे क्लॉक फेस, और यहाँ पर आपको CX17CY और R यहाँ पर आपको दे देना है, यानी कि जो कांटे होंगे वो इस हिसाब से आपको यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे लाइन दे देनी है आपको, ठीक है, और फिर एक दूसरी लाइन आपको यहाँ पे सेट करनी है, और यहाँ पे तीसरी लाइन और चौथी और ये पांचवी, ठीक है। तो चार लाइन बेसिकली, तो जो चार लाइन हमने क्रिएट किया है किस लिए किया है, यहाँ पे जो आपके जो जो डिजिट जो दिख रहे हैं, यानी कि 12 है, 3 है, 6 है, 9, ये चार यहाँ पर आपको डिजिट दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार लाइन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप जो देख रहे हो, तो इसमें हमें टेक्स्ट देना है। तो जो पहला टेक्स्ट होगा वो 12 होगा, ठीक है, जो दूसरा टेक्स्ट होगा वो होगा 3, तीसरा जो होगा 6 होगा, एंड जो चौथा होगा वो होगा 9, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। यहाँ पे आपको दो एक्सेस होते हैं आपके, एक्स एंड वाई, तो एक्स एक्सेस पे कितना आपको यहाँ पे सेट करना है 62, और वाई एक्सेस पे आपको 18, तो ये आपको डिस्टेंस यहाँ से मेंटेन कर देना है, ठीक है, तो कि कहाँ पे आपको सेट करना है डिजिट को। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको एसवीजी को यहाँ पे क्लोज कर देना होगा, और फिर यहाँ पर एक अनदर आपको डीआईवी क्रिएट करना है क्लास, उसका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो क्लास था उसका नाम देंगे, टाइम अंडर स्पेस टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पैम के अंदर यहाँ पर आईडी एचआर यानी कि आवर के लिए, फिर यहाँ पे स्पैम के अंदर आप यहाँ पे आईडी इक्वल टू मिनट मिनट के लिए, फिर यहाँ पर आपको स्पैम को क्लोज कर देना होगा, और फिर यहाँ पे सेकेंड के लिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे सफिक्स जो देखे अनदर बनाएंगे स्पैम, यहाँ पे हम आईडी इक्वल टू सफिक्स, और उसके बाद तो ये जो नीचे आपको डिजिटल क्लॉक दिख रहा था उसके लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे आपको आवर मिनट सेकेंड और यहाँ पे एएम या पीएम ये आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे डीआईवी को क्लोज कर देंगे, देन आपको बॉडी को क्लोज कर देंगे, और देन यहाँ पर आपका एचटीएमएल हम ये क्लोज कर देंगे। तो गाइस, ये था एचटीएमएल का कोड। अब हम आपको दिखाते हैं क्या है सीएसएस का कोड, कैसे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम आ चुके हैं सीएसएस पे। तो यहाँ पे हमने बनाया है style1.css के नाम से ये बनाया हुआ एक फाइल, और ये जो फाइल है यहाँ पर आपको स्टार के साथ आपको ये कोड लिखना है। फिर यहाँ पर जो अपने क्लास बनाया है एनालॉग क्लॉक, यहाँ पर आपको हाइट एंड विड्थ सेट कर देना है। जो अनदर क्लॉक अपने जो क्लास बनाया है उसका नाम क्या है, क्लॉक अंडर स्पेस फेस, तो ये मैंने फेस इस तरह से मैंने बना रखा है, और यहाँ पे फिल वाइट, ठीक है। तो ये जो व्हाइट है, अब चाहो तो इसके साथ अगर यहाँ पे आप रेड कर दोगे तो ये जो कलर हो जाएगा वो रेड हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आपको ये एच हैंड, एम हैंड, एस हैंड, ये आप तीनों के लिए आपको यहाँ पे दे देना है कुछ सीएसएस का कोड लिखना है। फिर यहाँ पे जो एच हैंड के लिए आपको दे देना है यहाँ पे, फिर एम हैंड, एस हैंड और टाइम डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो बस इतना आपको सीएसएस का कोड यहाँ पे अप्लाई करना है, और इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। अब इसके बाद हम जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनाएंगे उसका नाम होगा script.js। तो यहाँ पे मेरे पास है script.js, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने फंक्शन, फंक्शन का नाम होगा क्लॉक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे चार वेरिएबल, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं h इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एंगल को कैलकुलेट करना है ना कि किस किस एंगल पे वो घूमेगा और किस किस एंगल पे क्या क्या आपके पोजीशंस होंगे। तो इस तरीके से यहाँ से एंगल निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पर हम मूव करेंगे हैंड्स को। तो जो 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 आपको कांटे यहाँ पे दिख रहे हैं मिनट के, सेकंड के, ये कैसे मूव करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड देन उसके बाद डिस्प्ले करेंगे टाइम, तो टाइम जो डिस्प्ले करना है इस तरह से आप, ठीक है, टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं, डी जो ऑब्जेक्ट है, डी डॉट गेट आवर, डी डॉट गेट मिनट, डी डॉट गेट सेकेंड, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ एच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे सेट सफिक्स पीएम, तो यहाँ पे जो डिजिटल क्लॉक बनेगा तो उस डिजिटल क्लॉक के लिए हम यहाँ पे जो टाइम निकाल शो कर रहे हैं ये उसके लिए है। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एएम पीएम को हम कैसे शो करेंगे, तो अगर
12 से ज़्यादा हो रहे हैं तो पीएम होगा, 12 से कम हो रहे हैं तो क्या होगा, एएम होगा, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टाइम सेट कर देना है, मिनट, सेकेंड, आवर, इस तरीके से। और यहाँ पे कॉल करेंगे एवरी सेकेंड, तो हर सेकेंड हमें इसे कॉल करना होगा, तो ताकि हर सेकेंड पे वो टाइम अपडेट होता रहे, क्योंकि हम जो डिजिटल क्लॉक है उसमें मिनट, आवर और सेकेंड भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इस वजह से इसे हम हर सेकेंड उसे अपडेट करना होगा। फिर यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे सेट एट्रीब्यूट आईडी के नाम से, और इस फंक्शन को यहाँ पे एक वेरिएबल होगा रोटेट, वी इज इक्वल टू रोटेट, यहाँ पे वैल्यू प्लस 17 × 17 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सेट एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसे। और यहाँ पर इस तरीके से आपको ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट की फाइल आपको ये बनाना है, और इस फाइल को आपको अपने एचटीएमएल फाइल से अटैच कर देना है। उसके बाद जब आप इसे रन करोगे, तो ये मैं इसे कर रहा हूँ रन, तो आप देख सकते हैं ये जो क्लॉक है रेड कलर की हो गई, और यहाँ पे नीचे आपको ये टाइम दे रहा है डिजिटल में, और यहाँ पे जो टाइम आपको दे रहा है वो आपको यहाँ पे दे रहा है एनालॉग में भी, सेम टाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके मैं जरूर बताइए। और ये जो वीडियो है इसका जो सोर्स कोड है आपको उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहां पे आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।